तो चलिए जैक बोर्ड की तरफ से क्या कुछ नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में इसमें देख लेते हैं, ठीक है। एक नज़र आप देखते हैं, चलिए लास्ट तक देखिए। इसमें बताया गया है कि जैक ने रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है। फिर बताते हैं कि स्कूल एवं कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का 20 अंक का इंटरनल असाइनमेंट किया जा रहा है और इंटरनल असाइनमेंट का अंक जैक की वेबसाइट पर अपलोड होते ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैक के द्वारा CBSE से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है। और इसमें बताता है कि 10th यानी 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट 20 जुलाई 2021 तक जारी होने का संभावना है। अब बताता है इसमें कि 10वीं का बोर्ड रिजल्ट में 9वीं के OMR सीट पर हुई परीक्षा के 80% अंक जोड़े जाएंगे, बाकी 20% अंक प्रैक्टिकल से लिए जाएंगे। जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन स्कूल एवं कॉलेज द्वारा किया जाएगा। वैसे विद्यार्थी जो 9वीं कक्षा में 5 विषय में से 4 विषय में पास होकर के उत्तीर्ण हुए थे उन्हें 10वीं कक्षा में पास करने के लिए 5वें विषय में स्कूल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ करके 33 अंक होने पर ही पास हो सकेंगे। बोर्ड द्वारा 7 जुलाई तक राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों को आंतरिक मूल्यांकन का अंक भेजने का निर्देश दिया गया है। फिर बता दें कि जो छात्र छात्राएं अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें जैक बोर्ड द्वारा आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा देना होगा और 10वीं का परीक्षा 432,000 विद्यार्थी शामिल है इसमें। TSB अपडेट्स था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।